तो फाइल आप लोगों के पास थी, आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं ऐसा मुझे पता चला है, तो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली जाए यदि है तो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। वेन डायग्राम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और उसके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे, और मैंने आपको ये पीडीएफ सेंड किया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वेन डायग्राम के और आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो चेक करते हैं आप लोगों ने सही किया या गलत। तो क्या कंडीशन है, क्या पोजिशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रेवलर्स ट्रेन एंड बस? ट्रेवलर और ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है? ट्रेवलर और ट्रेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ट्रेवलर और बस के बीच में क्या रिलेशन है? एंड ट्रेन एंड बस के बीच में क्या रिलेशन है? ट्रेन एंड बस कोई रिलेशन नहीं है। ट्रेवलर एंड बस, यस सम। ट्रेवलर एंड ट्रेन, सम सम सम, नो सॉरी, सम सम नो का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑल ट्रेवलर्स आर इन ट्रेन, ऑल ट्रेवलर्स आर इन बस, नहीं, सम ट्रेवलर्स आर इन ट्रेन, सम ट्रेवलर्स आर इन बस, बट देर इज नो रिलेशन बिटवीन ट्रेन एंड बस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपने ऑल बस को ट्रेवलर में डाल दिया, बस ट्रेवलर के अंदर चलती। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स बेस्ट रिलेशन? प्रॉफिट डिविडेंड बोनस, प्रॉफिट डिविडेंड बोनस, डिविडेंड कंप्लीट डिविडेंड विल बी आउट ऑफ प्रॉफिट, कंप्लीट बोनस विल बी आउट ऑफ प्रॉफिट, एंड देर इज नो रिलेशन बिटवीन डिविडेंड एंड बोनस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वुमेन मदर एंड इंजीनियर, वुमेन एंड मदर, ऑल मदर्स आर वुमेन, ऑल, सम इंजीनियर्स आर वुमेन, सम इंजीनियर्स आर मदर, कौन सा रिलेशन होगा? दो सम के रिलेशन है, एक ऑल का रिलेशन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सारे रॉन्ग आ रहे हैं, कोई नहीं जी, आएंगे आएंगे, सही भी आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री प्रोडक्ट मशीन? ऑल मशीन्स आर इन फैक्ट्री, ऑल प्रोडक्ट्स आर इन, आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री, ऑल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन मशीन। कैसे देखेंगे भैया? ऑल मशीन्स आर इन फैक्ट्री, नो, सम मशीन्स आर इन फैक्ट्री, सम आर इन शॉप्स ऑल्सो। फैक्ट्री और मशीन के बीच में सम का रिलेशन है, लेकिन यदि हम इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू करें कि यार यहाँ बात मशीन फैक्ट्री और प्रोडक्ट के बीच में जब बात हो रही है तो डेफिनेटली ये फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ही बात हो रही है, परचेजिंग या सेल रिलेटेड बात। तो ऑल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड ऑन फैक्ट्री, ऑन मशीन, ऑल मशीन्स आर इन फैक्ट्री, हम ऐसे बनाएंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन जब ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही तो मान के चल, यस आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, कुछ हैंडमेड भी आप ले सकते हो, लेकिन अब वहां थोड़ा सा अजम्पशन पे बेस हमें जाना पड़ेगा। ऑथर, लॉयर, सिंगर, ऑप्शन बी, सिंगर लॉयर नहीं हो सकता। एक लॉयर को सिंगर बनते हुए नहीं देखा,
सम लॉयर मे बी सिंगर, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? नहीं है, वो अलग बात हुई ना, आपने बोला है, हो ही नहीं सकता, दोनों में डिफरेंस है। सम लॉयर मे बी सिंगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ बेटा, यहाँ पे वो सिलोजिस्म जैसा नहीं है। सम लॉयर मे बी सिंगर और नॉट, सम ऑथर मे बी लॉयर और नॉट, सम लॉयर सम सिंगर मे बी ऑथर और नॉट। सिंगर है, किताब भी लिख रहा है, रियल लाइफ में देखने को मिल जाएगा आपको। सिंगर है, लॉयर भी है, क्या दिक्कत है? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना, लेकिन यहाँ सम का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन है, क्योंकि बाकी चीजें पॉसिबल नहीं है। इन तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, ऑल का रिलेशन तो नहीं हो सकता। तो बाकी सब में ऑल का रिलेशन आ रहा है कहीं ना कहीं, ऑल का रिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो मैं नेगेटिव अप्रोच से चलूंगा, और नेगेटिव अप्रोच से जो चीज पॉसिबल नहीं है उन्हें नेगेट करते हुए चलेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। जज थीव्स क्रिमिनल, जज थीव्स क्रिमिनल, आप बी बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, आप सी बोल रहे हो, सी क्या सोच के बोला? एक ही हो सकते हैं, क्रिमिनल मतलब चोर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं बेटा कल। ऑल थीव्स आर क्रिमिनल, ऑल थीव्स आर क्रिमिनल, एंड नो जज इज थीव्स एंड नो जज इज क्रिमिनल। तो जज का थीव्स और क्रिमिनल से कोई रिलेशन नहीं है, बट ऑल थीव्स आर डेफिनेटली क्रिमिनल। इंडिया हरियाणा वर्ल्ड, हरियाणा इज इन इंडिया, इंडिया इज इन वर्ल्ड। तो बिल्कुल इजी इजी सा है। नेक्स्ट, पिजन बर्ड एंड डॉग, करेक्ट, ऑल पिजन्स आर बर्ड बट नो पिजन इज डॉग एंड नो बर्ड इज डॉग, तो डॉग अलग रहेगा। तुमने इनमें भी रिलेशन बना दिया क्या? मतलब सम पिजन्स बर्ड होते हैं और बाकी पिजन्स, कुछ कबूतर तो बर्ड्स होती हैं, बाकी पिजन्स दूसरे एनिमल, नई स्पीशीज पैदा करेगा दुनिया पे भाई। अर्थ, सी और सन, अर्थ सी, सी इज ऑन अर्थ एंड सन इज सेपरेट प्लैनेट, ऑप्शन ए। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बी, परफेक्ट, बी, तीनों अलग है। आयरन, लीड एंड नाइट्रोजन, बी, आयरन, लेड और नाइट्रोजन, तीनों अलग चीजें। एग्जामिनेशन, क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस, ए कैसे? ऑल क्वेश्चंस आर इन एग्जामिनेशन। आपका सी कैसे? बिल्कुल ठीक है। सम क्वेश्चंस आर इन प्रैक्टिस, सम क्वेश्चंस आर इन एग्जामिनेशन। सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कैसे हो सकते हैं? प्रैक्टिस में क्वेश्चन नहीं कर रहे हम। एंड एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिस का कोई रिलेशन नहीं है। विच ऑफ द बल्ब, बल्ब, लैंप एंड लाइट,
ऑप्शन सी करेक्ट, बल्ब लैंप बोथ आर प्रोवाइडिंग लाइट बट दोनों अलग अलग होते हैं, ऑल बल्ब आर गिविंग लाइट, ऑल लैंप्स आर गिविंग लाइट बट बल्ब एंड लैंप अलग अलग है? नहीं, ऑल बल्ब्स आर इन लैंप, ऑल बल्ब्स आर, इनका कहने का मतलब वहां से, ऑल बल्ब्स आर इन लैंप, लैंप बिना बल्ब के नहीं जलता, एंड ऑल लैंप्स गिव्स लाइट, ऑप्शन डी। लायन डॉग एंड स्नेक, हाँ, तीनों अलग हैं। मून सन एंड अर्थ, सी ऑल थ्री आर सेपरेट स्टार्स। हॉस्पिटल नर्स एंड पेशेंट, ऑल पेशेंट्स आर इन हॉस्पिटल, ऑल नर्सेज आर इन हॉस्पिटल बट नर्सेज एंड हॉस्पिटल पेशेंट्स आर सेपरेट। हमने क्या बनाया भाई, बी कैसे? हाँ, दोनों हॉस्पिटल हॉस्पिटल के अंदर है, पेशेंट नर्स के अंदर है भाई। तो बेटा बी के अंदर ये बाहर वाला सर्किल तुम्हारा हॉस्पिटल है, बीच वाला सर्किल किसका है? बीच वाला हॉस्पिटल का है। अच्छा, और ये बाहर वाला, और बीच में पेशेंट। अच्छा, पेशेंट के अंदर हॉस्पिटल है। यार ये तो बहुत गड़बड़ है भाई, फिर एक्चुअली बहुत भारी गड़बड़। तुम इतना इलॉजिकल चीज सोच सकते हो, ये मैं नहीं सोच सकता, एक्सट्रीम इलॉजिकली सोचा है आपने। इससे ज्यादा इलॉजिकल चीज और क्या हो सकती है कि हॉस्पिटल सबसे छोटी चीज है और पेशेंट्स हॉस्पिटल के बाहर है, मतलब सारे पेशेंट्स के अंदर हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है? अंदर हॉस्पिटल है, पेशेंट बाहर है, बोलो। पेशेंट के अंदर हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है? तो आपने हॉस्पिटल को पेशेंट के अंदर डाल दिया, नर्स के अंदर हॉस्पिटल डाल दिया, नर्स के अंदर पेशेंट डाल दिए, नर्स नर्स के अंदर पेशेंट और पेशेंट के अंदर हॉस्पिटल। यह सिर्फ आंसर करना है, तो फिर लॉजिक कहाँ है? कहाँ, कौन सा लॉजिक लगाए? ये नया लॉजिक मुझे सिखाओ, सोचना पड़ेगा भैया। ऑल आर गोइंग रॉन्ग, योर ऑल आंसर्स आर गोइंग रॉन्ग। मर्करी जिंक एंड मेटल, मर्करी जिंक एंड मेटल, मर्करी लिक्विड है, जिंक मेटल है, तो मर्करी अलग, ऑल जिंक्स आर मेटल और मर्करी अलग। अब ऑल जिंक्स आर मेटल, मर्करी को भी हम क्या मेटल में ले सकते हैं? जिंक तो मेटल होता है ना, तो ऑल जिंक्स आर मेटल, मर्करी अलग होना चाहिए। इसमें डायग्राम में कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, डायग्राम गड़बड़ है। मर्करी मेटल में नहीं आना चाहिए, वो लिक्विड मेटल होता है, तो लिक्विड मेटल को भी ले लिया हो तो ऑप्शन ए। देखते हैं, टीचर राइटर म्यूजिशियन, टीचर राइटर म्यूजिशियन अभी बात किया, करेक्ट ऑप्शन ए, बिल्कुल सही ऑप्शन ए। सम टीचर में भी राइटर, सम राइटर में भी टीचर, सम राइटर में भी मजिशियन, सम राइटर में भी टीचर, सम मजिशियन में भी टीचर, कुछ भी हो सकता है, तो सब सब सम 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 ऑप्शन ए। बॉयज गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एक्सप्लेन करेंगे आप मेरे को। लड़का लड़की में भी कुछ पार्ट कॉमन, लड़का लड़की भी हो सकता है, लड़की लड़का भी हो सकता है। कैसे यार, मुझे लॉजिक समझाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर वाला सर्किल आपका स्टूडेंट का है, अंदर दोस्त सर्किल आपने बॉयज एंड गर्ल्स के ले लिए। बॉयज एंड गर्ल्स में क्या कॉमन है? सम बॉयज मे बी गर्ल्स, आपके हिसाब से सम बॉयज मे बी गर्ल्स, कुछ लड़के लड़कियां हो सकते हैं और कुछ लड़कियां लड़के हो सकते हैं, ऐसा आपको ऐसा लगा कि कुछ लड़के लड़कियां हो सकते हैं? बेटा इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है,
सम बॉयज मे बी स्टूडेंट सम मे बी नॉट, सम गर्ल्स मे बी स्टूडेंट सम मे नॉट, एंड देर इज नो रिलेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये सर्किल बॉय का है, ये सर्किल गर्ल का है, और ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एंड गर्ल्स एंड बॉयज में क्या कॉमन कर सकते हो, कैसे कॉमन कर सकते हो? टॉल मैन, ब्लैक हेयर्ड पीपल एंड इंडियंस, सोचिए, टॉल मैन, ब्लैक हेयर्ड पीपल एंड इंडियन, लंबा हाइटेड पर्सन, काले बालों वाला लोग एंड इंडियंस, आपका तो ए है। बी, बी मतलब कैसे बी, एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये टॉल मैन है, ओके, ब्लैक हेयर्ड है और इंडियन अलग है, मतलब टॉल मैन इंडिया में होते ही नहीं है। ब्लैक हेयर्ड लोग इंडिया में होते ही नहीं, हमारे मेरे बाल नहीं है, इसका मतलब थोड़ी है काले बाल वाले लोग इंडिया में नहीं होते। आप सबके बाल है ना, आपने इंडिया को अलग कर दिया, ना इंडिया में टॉल मैन है ना ब्लैक हेयर्ड पीपल है। अनुष्का, अनुषा बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, अनुषा करेक्ट आंसर, एंड योर आंसर भी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तीनों में सम का रिलेशन है, सम टॉल मैन मे बी ब्लैक हेयर्ड, सम टॉल मैन मे बी इंडियन, सम ब्लैक हेयर्ड मे बी इंडियन। फर्नीचर, चेयर एंड टेबल, सी, आप क्या बोलते हो? ए, एक्सप्लेन, सम फर्नीचर मे बी चेयर और सम चेयर्स मे बी फर्नीचर, तो सम चेयर्स मे बी फर्नीचर, बाकी चेयर्स क्या होती हैं? बिल्डिंग। नहीं ना, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर या सम चेयर्स आर फर्नीचर, तो फिर ए कैसे हो सकता है? ए में तो सम का रिलेशन दिख रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, ऑल टेबल्स आर फर्नीचर, बट देर इज नो रिलेशन बिटवीन चेयर एंड टेबल, बोथ आर सेपरेट। एलिफेंट, कर्निवरस एंड टाइगर, कैसे? ऑल टाइगर्स आर कार्निवरस एंड एलिफेंट्स आर सेपरेट, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी करेक्ट अनुषा, ऑप्शन डी, वेरी गुड, बढ़िया। वेजिटेबल, टमाटो एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल, टमाटो एंड फ्रूट्स, ऑप्शन ए, ऑल टमेटोज आर वेजिटेबल, यस, बट फ्रूट्स आर, फ्रूट्स का टमाटो से कोई रिलेशन नहीं है, फ्रूट का वेजिटेबल से कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट अनुषा अगेन। क्लास, ब्लैक बोर्ड एंड स्कूल, क्लास, ब्लैक बोर्ड एंड स्कूल, सी, डी लगा आपको, आपको लगा है तो कुछ हो सकता है, बिल्कुल देखते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑल ब्लैक बोर्ड्स आर इन क्लास, ऑल क्लासेस आर इन स्कूल। हाँ होंगी ना, कहाँ बात कर रहा है, चेयर की बात कर रहे क्या ये, यहाँ चेयर टेबल है कहाँ? इसने ये कहाँ बोला कि ब्लैक बोर्ड ही होते हैं बस क्लास में और कुछ नहीं होते, ऐसा बोला है फिर? पर ब्लैक बोर्ड क्लास में ही होते हैं,
आई एम सेइंग दिस, ऑल ब्लैक बोर्ड्स आर इन क्लास. आई एम नॉट सेइंग क्लास इज ओनली ब्लैक बोर्ड. रबी क्रॉप पैडी वीट, इसके लिए थोड़ा सा ज्योग्राफी सिविक्स पता होना जरूरी है. सिविक्स नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है. वीट रबी क्रॉप है क्या? गेहूं रबी क्रॉप है क्या? मुझे भी नहीं पता, मेरा भी ये वाला पार्ट बहुत वीक है. पैडी, पैडी क्या होता है? ये भी एक क्रॉप नाम है. गूगल नहीं कर सकते हो? गूगल करो. और पैडी, फर्स्ट थिंग वीट इज रबी क्रॉप, ऑल वीट इज इन रबी क्रॉप. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑल वीट इन अ रबी क्रॉप एंड पैडी इज सेपरेट. एस पेट हॉर्स, गधा. हॉर्स को पेट क्यों नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बनाता है? कैसे नहीं बनाता है? घोड़े नहीं पालते लोग? ऑप्शन बी, सम हॉर्सेज आर पेट, सम एस आर पेट. गधे भी पेट होते हैं? होते हैं, देखा है. पेज चैप्टर बुक. ऑल डी आंसर. डी डी हाँ, डी आंसर. डी 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 फॉर डंकी, एस गधा. ऑल चैप्टर्स आर ऑन द पेजेस एंड ऑल द पेजेस आर इन बुक्स. पेरेंट मदर फादर, बहुत आसान है. तो बी सी बी, दो ने बी दिया है और एक ने सी दिया है और अनुषा ने भी सी दिया है. आंसर सी करेक्ट. बी एक्सप्लेन करना भैया मेरे को. हाँ, और तीन सर्किल हैं, कौन से सर्किल किसको बनाया है? मैन रोडेंट्स लिविंग बींग्स. सी हाउ करेक्ट. रोडेंट्स भी लिविंग बीन होते हैं, मैन भी लिविंग बींग होते हैं, और रोडेंट और मैन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता. बिल्कुल करेक्ट, सी आंसर. एलिफेंट वॉल्स एंड एनिमल्स. सी कैसे? All elephants are animal, all wolves are animal. B option. वो भैया हमेशा वो ये वाला option C में ही दिखता था. हाँ, वो option हमेशा C में दिखता है, ये B है. खत्म हो गए भाई, दो गलत. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 30 में से दो गलत, 28 करेक्ट. दैट्स वेरी गुड परसेंटेज. देखिए, हर चैप्टर से यू विल गेट वन और टू क्वेश्चन हार्डली. एलआर का जो पूरा पोर्शन है उसमें से हर चैप्टर पे एक या दो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है. फोर सब्जेक्ट्स आ दिया, एवरी सब्जेक्ट डिवाइडेड इन 50-50. तो ये लॉजिकल एंड लीगल एप्टीट्यूड, इट्स ऑफ 50 मार्क्स, 25-25.
25 क्वेश्चंस और ऑलमोस्ट उतना ही चैप्टर्स हमारे पास हैं, 15 से 20 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर पे एक या दो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आज तो काम खत्म हो गया, तो हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। कितने चैप्टर्स हो गए? कोडिंग डीकोडिंग, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम और ब्लड रिलेशन। चार चैप्टर्स हमारे बड़े बड़े चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब कुछ आसान से इंग्लिश बेस्ड चैप्टर लूंगा, लाइक एसेशन एंड रीजन, एनालॉजी, ये इंग्लिश बेस्ड और ओवरऑल नॉलेज बेस्ड चैप्टर है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको इंग्लिश अच्छा होना चाहिए और सेकंड आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज कि आपको उस चीज़ों के बारे में मालूम है या नहीं, और फिर तो लॉजिक लगाना ही है। लेकिन लॉजिक लगाने से पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे आप जो चैप्टर्स लेंगे हम उसमें जनरल नॉलेज लगाने से पहले, लॉजिक लगाने से पहले जनरल नॉलेज की और इंग्लिश की नॉलेज होनी ज़रूरी है। एनालॉजी और इन्फ्रेंसेज और स्टेटमेंट सेंटेंसेज, और या फिर यदि कुछ अच्छा सा लगा तो फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से चैप्टर पे चलेंगे, एंड दैट इज क्लॉक एंड कैलेंडर। यूं कहें कि सबसे डिफरेंट और सारा पूरा का पूरा चैप्टर, सारे के सारे पूरे चैप्टर में क्लॉक एंड कैलेंडर, आई विल टेक क्लॉक एंड कैलेंडर, पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स और कैलकुलेशन चाहिए। मतलब वहां आपको ट्रिक्स ही समझनी पड़ेंगी, वो नॉलेज का काम नहीं है। नॉलेज नहीं चाहिए, ट्रिक्स चाहिए। नॉलेज हमें क्लॉक और कैलेंडर के बारे में है, एक इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे कल की क्लास के लिए। क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक, क्लॉक के बारे में कितना जनरल सेंस है आपके पास, जनरल नॉलेज। सर क्लॉक 12 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, पार्ट 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हम एनालॉग क्लॉक की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल क्लॉक की नहीं, एनालॉग क्लॉक की बात कर रहे हैं। 12 पार्ट में डिवाइड होती है, हर पार्ट 5 में डिवाइड होता है, हर 5 पार्ट के अंदर एक पार्ट फर्दर सेकंड्स में डिवाइडेड होता है। सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स, तीन हैंड होते हैं कॉल के, क्लॉक के, आवर हैंड, सेकंड हैंड और मिनट हैंड। और इन तीनों हैंड्स के बीच में जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट के अंदर एक रिलेशन होता है। एक घंटा, आवर हैंड पूरा सर्किल लगाता है? नहीं, वो सिर्फ एक डिजिट से दूसरी डिजिट, 5 स्पेक्स हिलता है। लेकिन उसी एक घंटे के अंदर मिनट हैंड पूरा एक सर्किल लगा के आ जाता है। लेकिन उसी एक घंटे के अंदर सेकंड का हैंड 60 सर्किल्स लगा चुका होता है। तो ये अब एक मिनट के अंदर, एक घंटे के अंदर मिनट हैंड पूरा एक सर्किल लगाता है, मतलब कितने डिग्री चल लेता है? 360 डिग्री चल चुका होता है वो, 360 डिग्री मूवमेंट आ चुका होता है उसमें। 360 डिग्री में पीसेस होते हैं, हर एक घंटे का एक पीस, यानी एक घंटे से दूसरे घंटे के बीच में 5 डिग्री का गैप होता है, 6 डिग्री का गैप होता है मिनट में, और 30 डिग्री का गैप होता है आवर्स में। क्या बोल रहे हो सर, कुछ बुल्ले नहीं पड़ रहा, सब हवा में जा रहा है। एक्चुअली यही सीखना है क्लॉक, क्लॉक के सारे डिग्री रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अभी घड़ी मेरी 5 मिनट पीछे चल रही है, हर एक घंटे बाद 2 मिनट पीछे हो जाती है, तो अगले 10 घंटे बाद क्या टाइम हो रहा होगा जब एक्चुअली 4 बजे। सुबह 3 बजे से शाम को 8 बजे के बीच में मिनट हैंड ने कितने डिग्री मूवमेंट मारा? शाम को 8 बजे के बीच में मिनट हैंड कितने डिग्री घूम गया है? 4:15 से 4:25 पे 90 डिग्री का एंगल, सुबह से लेके शाम तक 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा घड़ी के अंदर? 45 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? बहुत तरह के क्वेश्चन है, मतलब बहुत तरह के, मतलब क्लॉक को आपने कभी इस तरह से देखा ही नहीं होगा। बस क्लॉक में हम समय देख के निकल जाते हैं, बाकी कैसा चल रहा है वो पता नहीं है। क्लॉक को हम बहुत अच्छी तरह देखेंगे, घड़ी को हम बहुत अच्छी तरह समझने वाले हैं, बहुत डिटेल में जाके क्लॉक को समझने वाले हैं कि क्लॉक के अंदर कितना कुछ है। और उसी तरह कैलेंडर को, कैलेंडर में तो बहुत कुछ है समझने के लिए,
लीप ईयर पता है ना सबको, फरवरी में आता है लीप ईयर। लीप ईयर फरवरी में नहीं आता है, लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का आता है। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मालूम है तुम हॉस्पिटल को नर्स के अंदर डाल सकते हो, तो लीप ईयर को फरवरी में डाल। लीप ईयर कितने साल में एक बार आता है? कौन सा? फोर्थ ईयर में एक बार, फोर ईयर में एक बार आता है। 2019 में नहीं आएगा क्यों? फोर से डिविजिबल होता है वो लीप ईयर होता है ना? सन 2000 लीप ईयर था क्या? होना चाहिए ना फोर से डिविजिबल। 1900, 1900 सन 1900 लीप ईयर था क्या? क्यों फोर से डिविजिबल नहीं है 1900, है ना? 2100 लीप ईयर होगा क्या? सन 2100 लीप ईयर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? फोर से डिविजिबल नहीं है क्या? करके देख लो, बदल देंगे हम आपके कॉन्सेप्ट। आप पैदा हुए तो उस दिन कौन सा डे था? डे सैटरडे था। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट 1 फेब 2003। कौन सा डे था आपका? मुझे क्या मालूम, नहीं तो वो आपको वहां वो अपना पूछेगा। आज से 10 साल बाद कौन सी डेट पे आएगा आपका बर्थडे? ये सब निकालेंगे हम कैलेंडर को समझ के, ट्रिक से। यों आप किसी भी डेट को डेज में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी डे का डेट बता सकते हो, किसी भी डेट का डे बता सकते हो, जस्ट इन सेकेंड्स, ट्रिक्स। मजा आने वाला है इन दोनों चैप्टर्स में। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं एलआर के, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जिनसे हम मजे कर सकते हैं, किसी को भी इंटरेस्टिंगली समझा सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल, टिल देन बाय, सी यू।